हेलो देयर, मैं कुमार सोनल और आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो केंद्र है ये राज्यों को कैसे अपने कंट्रोल में रखता है। इस चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही सरल भाषा में। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही कर रखा है कि जिससे कोई भी स्टेट इस पूरे यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए देखिए, इंडिया को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। मतलब ये राज्यों का एक संघ है ये पूरा जो भारत है। जबकि वहीं पे अगर अमेरिका को देखें हम लोग, तो वहाँ पे कोई भी राज्य कभी भी उस संघ को छोड़ सकता है। इसीलिए वहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि स्टेट्स यूनाइटेड हैं। जब तक यूनाइटेड हैं ये स्टेट्स का मर्जी है, जब मर्जी में आएगा छोड़ देंगे वो, और एक अलग कंट्री के जैसा वो एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही देखा ब्रेग्जिट वाला मामला, यानी कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया, वो अपने आप को अलग कर लिया, तो वो फ्री है उस चीज़ के लिए, उसने अलग कर लिया। इसी तरीके का कुछ मामला है यूएसए का भी, बट भारत के केस में ऐसा नहीं है। जबकि देखिए, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, क्योंकि भारत इन दोनों का ही मिक्सचर है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये ना, जो प्योरली अगर देखा जाए फेडरल गवर्नमेंट होता क्या है, तो इसका कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अमेरिका को आइडियल मानते हैं इस चीज़ में, क्योंकि वहीं पे सबसे पहला फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिला। मतलब जहाँ पे राज्य का भी उतना ही हक है जितना कि केंद्र का हक है, कोई भी किसी के ऊपर कुछ चीज़ को लाद नहीं सकता, ये चीज़ है। इनफैक्ट अमेरिका में तो अगर क्राइम जो है वो भी किस हिसाब का है, वो भी बटा हुआ है। मतलब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो एक हाई कोर्ट को मानना ज़रूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये है मामला वहाँ का। तो ये फेडरल गवर्नमेंट में पॉसिबल है, लेकिन वहीं पे यूनियन गवर्नमेंट में ये पूर्व का सोवियत संघ है। मतलब जहाँ पे केंद्र का खतरनाक तरीके से कंट्रोल है पूरे स्टेट्स पे, ये चीज़। तो भारत ने ना तो उस रिजिडिटी को अपनाया और ना ही उस फ्रीनेस को, इसने मध्यम मार्ग अपनाया जो कि हमेशा से चला आ रहा है, जो कि बुद्धिज्म सिखाता है हमें। क्योंकि देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे वो जो यूनियन नेचर है भारत का वो दिख जाता है साफ साफ, ठीक है ना। और वहीं पे जब ऐसे ही रोज़मर्रा का काम आता है तो फेडरल स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। समझाता हूँ, देखिए आपको पता है, अगर केंद्र का कुछ आदेश निकलता है और वो आदेश कोई भी राज्य मानने से इनकार कर देता है, तो इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर माना जाएगा। इसके तहत राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि देखिए, सबसे पहला चीज़ तो आप एक बात जानिए कि शेड्यूल 7 में लिस्ट्स दिए गए हैं, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन कौन कानून बनाने का अधिकार रखता है। जैसे लिस्ट 1 में उसे कहते हैं यूनियन लिस्ट, मतलब वहाँ पे केंद्र सरकार का अधिकार है उन टॉपिक्स पे कानून बनाने का या उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का। वहीं पे लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, मतलब कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स जो कि राज्यों को दिए गए हैं जिन पे वही लोग कानून बनाएंगे। और फिर आता है लिस्ट 3 जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब है यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं उन सब्जेक्ट्स पे। लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे राज्य ने भी कानून बनाया हुआ है और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे केंद्र कानून बनाता है, तो केंद्र के कानून को माना जाएगा, चाहे उस राज्य में पहले से ही वैसा कुछ कानून क्यों ना हो, वो अपने आप निरस्त हो जाएगा। जो केंद्र ने बनाया उसी को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा यूनियन नेचर हमें दिखता है। अच्छा, अभी हम लोग पीछे चलते हैं जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था कि प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है ना कि अगर ये चीज़ लग जाता है तो स्टेट लेजिस्लेचर का या स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें से जितना भी सब्जेक्ट मन है वो पार्लियामेंट अपने अधीन कर सकता है। मतलब उस पे अब कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास चल जाता है और स्टेट लेजिस्लेचर से वो अधिकार छीन जाता है, ये होता है।
ऐसे तो इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होते हैं, ठीक है, और कई तरीके के हैं, लेकिन वो हमारा फिलहाल यहाँ पे विषय नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे राज्यों में हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है। अच्छा, एक हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में दो या दो से ज़्यादा राज्य हो सकते हैं, या एक राज्य एक यूनियन टेरिटरी, ये हो सकता है। इन हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनफैक्ट जो राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन या ये लोग हैं ना मेंबर्स को, इनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि केंद्र का पूरा नियंत्रण है राज्यों पे। एक तो ये चीज़ है कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक गवर्नर साहब हैं। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि कहीं पे भी जैसे दबाव में आके कोई काम ना हो। तो इसीलिए ही ये जो गवर्नर है ना, इनको दो ही तरीके से हटाया जा सकता है। एक तो पहला, वो रेजिग्नेशन के थ्रू से खुद अगर हट जाएं, और दूसरा ये इम्पीचमेंट के तरीके का प्रोसीजर है। मतलब जहाँ पे उन पे कोई आरोप लग जाए और वो आरोप सिद्ध हो जाए और ये चीज़ बहुमत से पारित हो जाए विधानसभा और विधान परिषद से, या जहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब जहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, तो सिर्फ विधानसभा से पारित हो जाए और फिर पार्लियामेंट पे ये चीज़ जाएगा और वहाँ से ये आदेश आएगा। मतलब प्रेसिडेंट ही उन्हें हटा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये चीज़ कहा गया है कि गवर्नर जो हैं वो यूनियन के एजेंट नहीं हैं, जबकि वहीं पे बहुत सारे ऐसे आदेशों में ये चीज़ झलकता है कि जहाँ देखने को मिलता है कि शायद गवर्नर जो हैं वो यूनियन के एजेंट हैं। ये तब ऐसा होता है ना जब केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो, तब ऐसा लगता है कि जैसे जो गवर्नर हैं वो एजेंट हैं केंद्र के, लेकिन बाकी अगर कुछ और मामला है तो फिर ऐसा नहीं लगता। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि असम, उनका कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो सिर्फ विधानसभा के ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के भी किसी कानून को निरस्त करके अपना अध्यादेश लागू कर सकते हैं, जिसका वैलिडिटी बिल्कुल एक लॉ की तरह रहेगा। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर केंद्र का आदेश कोई राज्य नहीं मानता है तो ये माना जाएगा कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है। लेकिन ये चीज़ सीधा सीधा प्रेसिडेंट ही तय कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। जबकि वहीं दूसरी ओर अगर कहीं पे गवर्नर भी लिखित रूप से अगर देते हैं कि इस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुका है, यहाँ पे अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में जैसा लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये राज्य नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट्स रूल आ सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिससे कि कोई भी राज्य अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा इस संघ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, जो आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आजकल क्या है ना, वो सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर में आ रहा है, तो उसको क्लिक करने के बाद ही वो बेल बटन दिखता है, तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा। उससे जितने भी नए नए वीडियोज़ अपलोड होंगे इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।